हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका मोबाइल फोन है वो जल्दी से इंटरनेट क्यों खत्म कर देता है। आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी मोबाइल ऐप चलाते हो तो आपका जो मोबाइल इंटरनेट है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, और आप सोचते हो कि हमारा जो मोबाइल इंटरनेट है वो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, और आप सोचते हो कि जो हमारी जो कंपनी है वो ही ऐसा करती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सभी प्रॉब्लम आपके मोबाइल पर ही है। आप अगर अपने मोबाइल को मैनेज करना जानते हो और आप अच्छी तरह से मोबाइल डाटा यूज करने जाते हो, आप जो मोबाइल इंटरनेट है वो आपने अच्छे तरीका से यूज कर सकते हो और पूरे दिन चल सकता है। तो गाइस, हम आपको ऐसी दो सेटिंग बताएंगे जिसको कर लेंगे तो आपका जो मोबाइल इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगा और पूरे दिन चलेगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ए टेक्नोलॉजी को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे से हमारी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको ऐसे मिल सके, और यूट्यूब चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, सबसे पहले आपको दो सेटिंग बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने आपके मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ऐप में जाना है, आपने मोबाइल के जो जितने सेटिंग को ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहा होगा ऐप मैनेजमेंट, आपको क्लिक कर देना है। किसी के मोबाइल में ऐप भी हो तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन मेरे मोबाइल में आ रहा है ऐप मैनेजमेंट। आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद जितने भी आपको ऐप दिख रहे हैं थर्ड पार्टी या अपने फोन के दिख रहे हैं, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं एयरटेल ऐप। तो गाइस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर दिख रहा होगा डाटा स्टेटस, डाटा यूज स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेटिंग दिख रही होंगी। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है बैकग्राउंड डाटा यूज, तो गाइस ये अनेबल है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड डाटा है वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारी सारी एप्लीकेशन उन सब का बैकग्राउंड डाटा ऑन हुआ होता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल इंटरनेट है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। तो आप ऐसे ही अपने मोबाइल इंटरनेट को काफी समय तक चला सकते हो। तो गाइज, हम सेकंड एप्स की ओर चलते हैं, उसका नाम है फेसबुक। फेसबुक को ओपन करने के बाद और आपको दिख रहा होगा डाटा स्टेटस, डाटा स्टेटस, तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। तो गाइज, हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, उसका नाम है स्नैपट्यूब। अब हम स्नैपट्यूब के डाटा स्टेटस पर जाते हैं। डाटा स्टेटस पर क्लिक करने के बाद इसके जो मोबाइल बैकग्राउंड डाटा है उसको भी डिसेबल कर देना है। तो गाइज, आप जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही है मोबाइल पर इन सब का जो बैकग्राउंड डाटा है उसको ऑफ कर देना है। तो गाइज, जो हमारा पहला सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट सेटिंग को। तो गाइज, सबसे पहले अपना जो यूट्यूब है, आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब को ही यूज करते हो, वीडियोज देखते हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो गाइज, यूट्यूब ओपन कर लेना। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप कोई भी वीडियो आपने ओपन करी, ओपन करने के बाद आपको साइड में दिख रहे होंगे थ्री डॉट, उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको दिख रही होगी क्वालिटी, आपको क्वालिटी पर क्लिक करना है। क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा एडवांस, आपको एडवांस में जाना है। गाइज, आपको ये जितनी भी क्वालिटी दिख रही है 720, 1080, 480, 240, तो सबसे बेस्ट है जो वो 360 है, आपको 360 पर कर देना है। 360 पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप फिर दोबारा से वीडियो की साइड में थ्री डॉट है उन पर क्लिक करना है। फिर से सेटिंग में जाना है। फिर से सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा, गाइज आपको दिख रहा होगा और ऑटो रिकमेंडेड, आपको जो ऑटो रिकमेंडेड है वो आपको क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जो हमारे 360 है वो ऑटोमेटिक चलेगा हर वीडियो में, और आप जो भी वीडियो क्लिक करोगे तो वो 360 में चलेगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगी। तो गाइज, आपने देखा हमने किस तरह से अपनी जो मोबाइल की दो सेटिंग है वो हमने आपने बताया। तो गाइज, आप ऐसी ही सेटिंग करते हैं तो जो हमारा मोबाइल डाटा है वो काफ़ी कम यूज होगा। तो गाइज, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ए टेक्निकल भी को, ताकि आपको आगे से हमारे ऐसी वीडियो मिल सके। तो गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके मन में जो भी ऑप्शन है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।